ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप पार्टी ऑफिस में कुछ वर्षों पहले तक झाड़ू लगाती थी? देखिए पहले तो 2000 साल में, 3 में, 4 में, उसी में टाइम में पहले तो हमारा पार्टी ऑफिस नया था, तो पार्टी ऑफिस जब किराए पे कोई नहीं देता था, हम लोग किराए में लेते थे तो CPM पार्टी ऑफिस से बोलते थे, उसको भाग जाते थे। तो कभी एक पार्टी ऑफिस हम लोगों को मिला, एक पत्रिका ऑफिस के नीचे है, गली में है, तो हमको झाड़ू भी हम लोगों को लगाना है, कार्यकर्ता को चाय किसी के लिए बनाना है तो हम लोग को बनाते थे, तो टेबल साफ करना है वो लोग हम खुद करते थे, वो मजा अलग है। आप तो केंद्रीय मंत्री हैं, तो साड़ियाँ, कपड़े, ज्वेलरी है कितना आपके पास? अरे ज्वेलरी से क्या करना, साड़ियाँ कितनी है और सरिया है, सरिया सबसे ज्यादा 100 साड़ियाँ होगा तो 90 साड़ी पब्लिक देते हैं, कार्यकर्ता देते हैं। अच्छा। कार्यकर्ता का साड़ी है और सब अच्छा लगते हैं, जब साड़ी पहनती हूँ ना तो कार्यकर्ता फोन करते हैं मेरे साड़ी पहने हैं उन्होंने, और जब कोई भी पहनता नहीं हूँ को मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन का साड़ी, मैं 90% कॉटन का साड़ी पहनती हूँ, जो बिना कॉटन का देते हैं कोई पहनता नहीं हूँ, दीदी मेरा साड़ी तो पहना नहीं है तो मैंने एक दिन के लिए पहनूंगी, रुक इधर आ, कौन सा साड़ी है तेरी है, कार्यकर्ता देते हैं मेरे को साड़ी। ये बात में साड़ी हो चादर है, सिल्क की साड़ी देने से आप नहीं पहनती हैं लेकिन सूती साड़ी देने से पहनती हूँ, क्या है ये, क्या माजरा है? नहीं वो कंफर्टेबल है मेरे लिए, बहुत अच्छा लगता है, मैं साड़ी तो 24 घंटा पहनती हूँ। पूर्वोत्तर में एक घटना मणिपुर वाली भी हुई थी, उसके लिए काफी सवाल उठे थे, और अब फिर उसके बाद बंगाल की घटनाएं, महिलाओं पर देश में जो अत्याचार होते हैं उसको कैसे देखती हैं आप? देखिए मणिपुर का स्थिति अलग है, मैं मणिपुर का प्रभारी रही 6 महीने के लिए इलेक्शन का, तब मैंने देखा 15 साल जो कांग्रेस का शासन था 17 से ऊपर एनकाउंटर हुआ, 17 से ऊपर मैंने 1700, मैंने रात को किसी माँ को किसी पत्नी को पता नहीं है उसका बेटा नहीं तो उसका पति को उठा के लेके जाके एनकाउंटर करेगा, ऐसा शासन था मणिपुर के बारे में। अभी लोगों ने इंटरेस्ट लिया, कांग्रेस के रिजिम में किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस के रिजिम में नॉर्थ ईस्ट है वही तो पता नहीं था, नॉर्थ ईस्ट को भारत के साथ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा है, नॉर्थ ईस्ट के साथ ओनली गुवाहाटी को जानते थे लोग। अभी वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है पिछले 10 सालों में, क्यों हम कोलकाता और वेस्ट बंगाल से रिलेशन अच्छा है, तो उन्होंने महिला बोलते हैं माँ माटी मानुष का नाम बोला है, माँ का इज्जत नहीं है, नीलाम कर दिया उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड वे से, ऐसा नहीं है हम ऐसे अननोनली कुछ हो गया, अनकॉन्शियसली कुछ हो गया ऐसा नहीं है, उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड वे से पिछले 10 सालों में वेस्ट बंगाल का महिला को ऐसा एक संदेश खाली नहीं है, हजारों संदेश खाली उन्होंने बनाया, वही उनका सिस्टम है, आपको लूट करो और लोगों को संपत्ति लूट करो, लोगों को पैसा लूट करो, और 2021 में मई महीने के रिजल्ट के बाद वो जो स्थिति है वो स्थिति तालिबानी शासन को भी आप शर्मिंदगी होना पड़ेगा, ऐसा स्थिति है और इसलिए स्थिति ऐसा आप है। लेफ्ट की बात करती हैं, त्रिपुरा में राम मंदिर का बड़ा विरोध हुआ है, इस बार क्या लगता है राम मंदिर का पूर्वोत्तर भारत में कितना असर है? माननीय प्रधानमंत्री जी उस काम को किया है, जैसे 51 में जो संकल्प लिया था राम मंदिर के लिए, 370 के लिए जो संकल्प हमारी पूर्वजों ने लिया है, हमारा पार्टी उसको भूला नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी उसको किया है, लेकिन हम बहुत भाग्यशाली है, आप भी है, जितने लोग अभी भी है सब हम कितने अच्छा कर्म किए होंगे, और मोदी जी ने उस काम को किया है, मोदी जी तो तपस्वी है, उनके हाथों में इतना बड़ा काम होने वाला था, भगवान का सेटिंग है। तो मैंने एक चीज़ बोला त्रिपुरा में, हर एक के कान में राम राम गूंज रहे हैं, हर एक के दिल से बोला ना बोला राम नाम निकल रहे हैं, और हर एक जो नास्तिक था, कम्युनिस्ट सबको नास्तिक बोलते थे, सब आस्तिक बन गए था। आप नाश्ते में क्या खाती हैं? मुरी, मेरे मुरी पे भर जाए, मैं मुरी खाती हूँ। और बताशा? मुरी बताशा से खाती हूँ, कभी दूध से केले से मुरी खाती हूँ। और त्रिपुरा में कमी रही है इसलिए ये आदत है कि घर से मुरी चिरा हमारा वो खाना आदत है, छोटे से हमको गांव से है तो हम रोटी खाना, जो रोटी खाना हमारे यहाँ से गरीब बना जाते थे जब हम छोटे थे, जो राइस चावल खाते हैं, जिसको घर में चावल नहीं है वो रोटी खाते हैं। त्रिपुरा में इस बार सबसे बड़ी चुनौती पूर्वोत्तर भारत में क्या होगी? आपको लगता है कि इस बार लेफ्ट और कांग्रेस, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत एक लंबी न्याय यात्रा की है, न्याय मांग रहे हैं पूरे देश में, राहुल गांधी एंड कंपनी, कांग्रेस के लोगों को इटली कहाँ है पता है,
ब्रिटेन कहाँ है पता है, जर्मनी कहाँ है पता है, अगरतला कहाँ है पता नहीं है उसको, आइजल कहाँ है उसको पता नहीं है, उसको ईटानगर कहाँ है वो पता नहीं है। आप चिंता मत करिए, उसको कुछ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में किसी जगह में कम्युनिस्ट भी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है। हर एक स्टेट में, आठों स्टेट में अष्टलक्ष्मी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सम्मान हम सबको दिया है। अष्टलक्ष्मी में मोदी है, मोदी है, नहीं तो एनडीए है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकते, चिंता मत करिए। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अरे नॉर्थ ईस्ट क्या एयर कनेक्टिविटी नहीं था, रोड कनेक्टिविटी नहीं था, हमारे रेल कनेक्टिविटी नहीं था, अरुणाचल में एयरपोर्ट नहीं था, दो साल पहले अरुणाचल में एयरपोर्ट बना, सिक्किम में एयरपोर्ट बना, सब जगह में हो रहा है। हमारे स्टेट में एक एयरपोर्ट था, ऐसा लगता है बस अड्डा है, अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। रोड देखिए, चमका दिया मोदी जी ने हम सबको, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, वाटर वेज, सब कुछ किया है। अभी एम्स दिया है, मान लीजिए एम्स कहाँ होते थे, एम्स मतलब दिल्ली में है, अभी गुवाहाटी में एम्स में है। अभी वंदे भारत मतलब हैदराबाद होगा, बॉम्बे होगा, आपका दिल्ली में होगा, नहीं तो बेंगलुरु में होगा, ऐसा हमारा मन में ऐसा ही था। अभी वंदे भारत हमारा गुवाहाटी में है, हमारे स्टेट में शताब्दी है, क्या बोलते हैं आप? मेरे स्टेट में जिगजैग वाला जो टॉय ट्रेन से ना, वो थोड़ा था हमारे स्टेट में, कुछ किलोमीटर का था, टॉय ट्रेन था, जिगजैग वाला टॉय ट्रेन था। अभी मोदी जी ने 2016 से ब्रॉडगेज दिया, राजधानी दिया, हमसफर दिया, शताब्दी दिया, डेमो ट्रेन किया क्या नहीं दिया। अभी तो बांग्लादेश का अंदर से कोलकाता को जोड़ा है, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए गेम चेंजर है, क्या बोलते हैं हम? नॉर्थ ईस्ट के लोग कांग्रेस बोलिए तो हादसे पर है कांग्रेस। बात करने के लिए हमसे शुक्रिया प्रतिमा दी। आने वाले दिनों में चुनाव हैं, चुनौतियां भी होंगी। फिलहाल कैमरा पर्सन अजी चाको और मनोज अधिकारी के साथ मुझे मनोज्ञा लोहिवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।